बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। पिछले कुछ दिनों तो किसी कारणवश मैं साध संगत दे सन्मुख हाजरी नहीं लवा सकिया। इस तो पहला सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा है पारो जुलका जी का। प्रसंग इतों तक पहुंचा है कि डल्ले पिंड का रहन वाला पारो जुलका सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर्शन करन दे वास्ते गोइंदवाल आया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दी आत्मक उच्ची अवस्था नू देख के उस पारो जुलका नू यह वरदान दिता कि यह है परमहंस। कहण तो पावे है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने उस नू परमहंस दी पदवी दे नाल निवाजिया। इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। अंतरयामी गुर ने जाना परमहंस तिस नाम बखाना। अंतरयामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दी उच्ची आत्मक अवस्था नू जाणिया ते फिर उस नू परमहंस दे नाम दे नाल निवाजे। पूरन ज्ञान हृदय होया वा एक रूप सब जग दृष्टावा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने पारो जुलका पहला ही बड़ी उच्ची अवस्था का मालक सी ते जदों सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने होर ज्यादा कृपा की ते पूर्ण ज्ञान जड़ा सी ना वह हिरदे दे विच पारो जी दे आ गया। हर एक आदमी दे अंदर, हर एक मनुख दे अंदर, हर एक जीव दे अंदर, हर एक चीज दे अंदर उस नूं मानो के ब्रह्म ही दिसन लगा। परमहंस सत गुर के कहे ब्रह्म स्वरूप अपन सुख लहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वचन करन दे नाल ओ परमहंस बन गया। और कहिंदे ने कवि जी के ब्रह्म दा जिहड़ा स्वरूप है ना उस नूं जानन लगा और ब्रह्म दे स्वरूप नूं जान के उन्ने सुखां दी प्राप्ति कीती। जोग वैराग भगत विज्ञान पूरन होए जिसके आन। पारो दा जोग उस दा वैराग उस दी भगती और उस दा विज्ञान विज्ञान आख्या जांदा है पूर्ण ज्ञान नूं। मानो के सारियां चीजां उस दे वास्ते पूर्ण हो गईं। निद से दरिद गुर ते पाई आवत ही सत गुर सरनाई। कवि जी लिखदे ने के पारो दे सतगुरां दी शरण दे विच आउण दी ही देर सी कि उस नूं मानो के रिद्धियां मिल गईयां ने। ਉਹ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।
कुल आचार करत व्यवहार, और मैं गुर चरणन को तार। दुनिया दे जिन्ने कार विहार ने, जिन्ने भी कुल दे आचार ने, उन्हां सारयां नूं भी करदा रहा, पर हिरदे दे विच गुरु दे चरणां नूं उसने हमेशा तार के रखिया। जोग भोग दोनों को पाए, रह अलेप कमल जल पाए। कवि जी लिखते ने कि इस दुनिया दे विच रह के उसने जोग ते भोग दोवां दी प्राप्ति कीती। दुनिया दे विच इस तरह रहा जिवें कमल दा फुल पानी दे विच रहिंदा है। रहिंदे ते दुनिया दे विच रहे, पर फिर भी दुनिया तो अलेप रहे उस तरीके दे नाल, जिस तरह के भावें कमल दा फुल हमेशा पानी दे विच रहिंदा है, पर फिर भी पानी दे नाल लिपायमान नहीं हुंदा। दोए दिन कर पुन सत गुर पास, आवे रह दरस की प्यास। भाई जुड़को दा जड़ा नेम है इस तरह दा है, कवि जी कहिंदे ने कि दो दिन घर रहिंदे ने, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करन दे वास्ते ओ गोइंदवाल पहुंच जांदे ने, आण के सतगुरां दे दर्शन करदे ने, सेवा करदे ने, रहिंदे ने, क्योंकि दर्शनां दी प्यास ओ ज्यादा देर सहार नहीं सकदे। एक दिन चढ़ियो तुरंगण आवे, नहीं अमनी पर पाए टिकावे। हुण इसे तरह हुंदा है, दो चार दिन घर रहिंदे ने, फिर सतगुरां दे दर्शन करन दे वास्ते डल्ले तों चल के गोइंदवाल पहुंचदे ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि एक दिन अपनी घोड़ी दे उत्ते चढ़े चढ़ाए आ रहे सन, पर उह जुड़का जी उन्हां दे जमीन दे उत्ते पैर नहीं सन। पर कवि जी लिखते ने कि जिहड़ी घोड़ी दे उत्ते चढ़े हुए सन, पर उह जुड़का जी उह भी घोड़ी जिहड़ी है ना, उहदे भी जिहड़े पैर ने उह जमीन दे उत्ते नहीं सन। उह दौड़दी हुई मानो कि बगैर धरती दे तल तों आकाश दे विच ही उड्डी आ रही। गत बेहंग की बड़वा चाल, करामात के सहत बिसाल। घोड़ी धरती ते पैर नहीं रखदी, उपर उपर उड़दी आ रही है। कवि जी लिखते ने इस तरह उड़दी आ रही है जिवें कोई उड्डन वाला पंछी उड़दा होवे। कहिंदे ने करामात के सहत बिसाल, क्योंकि करामातां दे धनी पारो जुलका जी उस घोड़ी दे उत्ते असवार ने, इस करके घोड़ी मानो के हवा दी चाल दे नाल उस तरह उड़दी आ रही है जिवें कोई उड्डन वाला पंछी उड़दा जा रहा हो। दिल्ली ते नवाब मग जाए, गज पर होते चमो समदाए। जेड़े रस्ते राही पारो जुलका जी लंघ रहे सन, कवि जी कहिंदे ने कि उसे ही रस्ते राही दिल्ली दा बहुत वड्डा एक नवाब जा रहा सी, उस नवाब दे नाल उसदी बहुत सारी सेना। अवलो क्यों तिन पाई पारो, महा अचरज हृदय में तारो। उस नवाब ने आउंदा होया देखिया भाई पारो जी नूं, और वेख के बहुत ही ज्यादा हैरान होया कि देखिया कि कोई मनुख घोड़ी दे उत्ते सवार होया आ रहा है, पर उसकी जिहड़ी घोड़ी है वह धरती ते नहीं दौड़ रही सगों आकाश दे विच उड़दी जा रही है। शीघ्र जाए पाखरो या गाऊ, दर्शन को तार कह चित चाऊ। वो दिल्ली का जिहड़ा नवाब सी वह बहुत ही ज्यादा हैरान होया, और हैरानगी दी दिशा दे विच बड़ी काली दे नाल पारो जी दे अगे जाके खड़ा हो गया। उस दे मन दे विच दर्शन करन दा जरा चाह सी ना वो पैदा हो। ताज गज को पायन पर परे ओ, पारो कृपा दृष्ट निहर हो।
ਹੁਣ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਆਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਮਨ ਤੇ ਪਯੋ ਬੇਕਾਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਭਇਓ ਬੇਕਾਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਾ, ਆਹੋ ਵਲੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਹੋ ਬਲੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰਾ, ਹੇ ਬਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ। ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਖਾਦਮ ਕੀ ਜੈ ਬਰਾ ਖੁਦਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਹੇ ਬਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਹੇ ਬਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਦਮ ਕੀ ਜੈ ਬਰਾ ਖੁਦਾਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਾਰੋ ਨਾਮ ਹਮਾਰੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵਤ ਚਿਤ ਚਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸੁਣ ਨਵਾਬ ਮਨ ਸਿਦਕ ਉਦਾਰਾ, ਬੂਝੋ ਕਿਹਠਾ ਪੀਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਲੀ ਜੀ ਕਿਹਠਾ ਪੀਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਹੇ ਵਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਮ ਕੋ ਸੰਗ ਲੇ ਹੋ ਦਰਸਾਵੋ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਪੈ ਤੁਮ ਜਾਵੋ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਰੋ ਕਹਿਓ ਸੰਗ ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ, ਅਪਰ ਵਿਭੂਤ ਸਰਬ ਕੋ ਪਰਹਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਬ ਤੁਮ ਗਮਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਸਨ ਕੋ ਫਲ ਧਰੀਏ। ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਵਾਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਨ ਕੋ ਫਲ ਧਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ।
प्रेम नवाब कीन ते सकाला सुत को सौंप समाज बेसाला। उस वेले नवाब दे मन दे विच बहुता ही ज्यादा गुरु दे दर्शना दा प्रेम वधिया और उसने पारो जी दी गल नू मन लिया। उसे वेले अपनी सारी फौज अपनी सारी जिहड़ी साजो समगरी सी अपने पुत्र नू सौंप दित्ती। खिजमत पात शाह की करो हमरो ख्याल नहीं और तरो। सारा कोई दे दिता अपने पुत्र नू और कहिंदा है कि हे पुत्र तू सारा कुछ लैके नाल चलिया जा और बादशाह दी अज तो बाद जिहड़ी नौकरी है जिहड़ी खिजमतदारी है ओ तू करनी है, मेरा जिहड़ा ख्याल है ना ओ तुसी सारे छड़ दे। सुत को सब बिद तिन समझायो पारो संग आप चल आयो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल नवाब ने अपने पुत्र नू सारी विधि समझाई है और वापस मोड़ दिता है। पारो जी दे नाल मिलके ओ नवाब फिर सतगुरां दे दर्शनां दे वास्ते पहुंचे। सत गुर को बंधन कर बैसे पाए प्रसन्न देख कर तैसे। पारो ने और उस दिल्ली दे नवाब ने दोवां ने आण के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीते है और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दोवां नूं देख के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए। पारो तन तन उपकारी तारो आप अपरन दे तारी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे भाई पारो जेड़े उपकारी पुरश हुंदे ने ओ बहुत ही ज्यादा भले लोग हुंदे ने ओ आप ते तरदे ही तरदे हन नाल दी नाल ओ दूजियां नूं भी तार देंदे ने। सतगुरां दा कहण तों पावे है कि हे पारो तू बहुत वड्डा उपकारी संत है तू आप ते तरेगा ही तरेगा लोकां नूं भी बहुत सारिआं नूं गुरु दे दरबार दे नाल जोड़ के तार देगा। बोलन मिलन संत सोनी का तात काल कट संकट जी का। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता कहिंदे ने कि संतां दे नाल मिलना और संतां दे नाल बोलना बहुत ही ज्यादा चंगा हुंदा है क्योंकि इस तरह आख्या जांदा है संत मिले कुछ कहिए सुनिए मिले असंत मष्ट कर रही है। कहण तों पावे है कि जे कोई संत साधु जन मिले ते उस दे नाल बोलना चाहिदा है उस दे नाल विचार वटांदरा करना चाहिदा ताँ कि किसे चीज दी अध्यात्मक वाद दी प्राप्ति हो सके। पर कहिंदे ने मिले असंत मष्ट कर रही है साध दे नाल मिलके ते बोलना चाहिदा ओनू कुछ पुछना चाहिदा कोई दसना चाहिदा विचार वटांदरा करना चाहिदा। पर कहिंदे ने जे होवे असंत भाव के संत दा विरोधी शब्द जिस तरह दिन दा विरोधी शब्द रात है रात दा ते दिन दा कोई मिलाप नहीं है इसे तरीके दे नाल संत दा और असंत दा कोई मिलाप नहीं है बिल्कुल उल्टियां गल्लां ने। कहिंदे ने जे कोई असंत मिल पवे जे कोई संत ना होवे मष्ट कर रही है ओदे नाल ना बोलो भाव के ओ तुहानू किसे भी तरीके दे नाल कोई चंगी सिक्ख्या दे नहीं सकदा इस करके ऐसा जे मिल जावे मष्ट कर रही है उत्थे चुप ही पड़ी है उदे नाल कुछ ना वचन बिलास करो उत्थे चुप कर रवो। पर जे पूर्ण संत मिल पवे ते फिर चुप ना रवो उदे तो कुछ पुछो अपने विचारां दा आदान प्रदान करो। मेरा सिर्फ कहण तो पावे है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि संतां दे नाल मिलना संतां दे नाल बोलना बहुत ही चंगा हुंदा है क्योंकि तात काल कट संकट जी का। जेड़ा मनुख संतां दे नाल मेल मिलाप रखदा है बोलदा है उन्हां दे बचनां नूं सुणदा है उस मनुख दे जेड़े जी दे संकट ने ना ओ बहुत छेती मुक जांदे।
पारो ने सब कहो प्रसंग, जिस प्रकार आन्यो सो संग। उस वेले फिर पारो ने हाथ जोड़ के बेनती की सतगुरां दे चरणां दे विच कि किस तरीके दे नाल ये नवाब मैनू मिलिया और किस तरीके दे नाल इन्हें फिर तुहाडे दर्शनां दी चाह प्रगट की और मैं तुहाडे चरणां दे विच इस नूं लै। सुन श्री अमर करी तब करना, हरि तिसी को जन्म रो मरना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कीती दया उस नवाब दे उते और उसका कहते ने कि जन्म ते मरण का जरा दुख से ना वो कट दिता। सत गुर की ओर प्रीत परी है, मन बेकार की पीर हरी है। उसे वेले नवाब दे मन दे अंदर सतगुरां दी जिहड़ी प्रीत है वो पै गई है ते उस दे मन दे जिहड़े विकार सी ना और उन्हां विकारां दी जिहड़ी पीर सी ना वो हरी गई है, भाव कि वो दूर हो गई। पायो निहाल नवाब कनेरा, केतक दिन गोर निकट बसेरा। इस तरीके दे नाल सतगुरां दी कृपा दे नाल दिल्ली दा नवाब बहुत ही ज्यादा निहाल होया और कुछ दिन उह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल वसदा रहा, कहण तों भाव कि थोड़े दिन गोइंदवाल दे विच ही रहा। संत संग सम पारस छोहे ओ, हो तो मनुरसो कंचन पायो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मनो संतां रूपी जड़ा पारस सी ना वो छोया उस नवाब नू, पाव के मनूर वर्गा सी वो नवाब, पर जदों संत रूप पारू दा मिलाप होया ते फिर मानो के कंचन हो गया वो सोना बन गए। परमानंद पाए कर पलो, बेदा होए पारो संग चलो। इस तो बाद फिर परम आनंद दी प्राप्ति हुई है भले तरीके दे नाल उस नवाब नू, थोड़े दिन रहन तो बाद पारो जी दे नाल मिलके ही वो नवाब सतगुरां तो विदायगी लैके मुड़ आया। डले ग्राम नाम एक लालू, प्रेमी पारो संग बेसालू। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि डले पिंड दे रहण वाले सन पारो जुलका जी, उसे ही पिंड दा रहण वाला एक लालू नाम दा आदमी सी और उस लालू दा पारो जी दे नाल बड़ा मेल मिलाप सी, वो बड़ा प्रेम करदा सी लालू इस पारो दा। सत गुर जाप जपे दिन रैन, हरे बेकारन ते मन चैन। उस लालू ने पारो जी तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सिफत नु सुनिया होया सी और वो सतगुरां दा जाप भी दिन रात करदा सी। इस तरह करन दे नाल लालू दे मन नु चैन दी प्राप्ति हुंदी सी और ओहदे जिहड़े विकार सी ना ओ दूर जांदे सी। पारो इक दिन आवन लागा, गुर दर्शन को मन अनुरागा। पारो जी दा मन जिहड़ा सी ओ दर्शना नू कीता, इस करके पारो जी ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे कोल आउण दी तैयारी कीती। कह लालू गोर के टिग जावो, मोको पी दर्शन करी वावो। पावे के लालू ने सतगुरां दा जस बड़ा सुनिया होया सी पारो जी तो, पर अजे तक लालू ने सतगुरां दा दर्शन नहीं सी कीता। जदों पारो जी गोइंदवाल जाण दे वास्ते तैयार होए ते कोल आण के लालू ने आख्या कि तुसी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करन दे वास्ते जा रहे हो, कृपा करके
मैनू भी नाल लै चलो ताकि मैं भी सतगुरां दे दर्शन कर सकां। तुव करना ते भव को तरो, जन्म मरन ते मन में डरो। पारो नू कहिंदा है लालू के तुहाडी करुणा दे नाल, तुहाडी दया दे नाल मैं तर जावांगा। जे मैं सतगुरां दे दर्शन कर लवांगा ते मेरा जन्म ते मरण दा दुख दूर हो जावेगा। मैं कहिंदा है कि जन्म ते मरण दे दुख तों बड़ा भय पीत हां, मैनू बहुत ज्यादा डर लगता है इस वड्डे दुख तों। शरण पर्यो गुर की अब चाहो, हृदय संदेहन सब को दाहो। लालू कहिंदा है कि मैं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी चरण शरण दे विच पैना चाहुंदा हां। मैं अपने सारे जिहड़े मन दे संदेह ने उन्हां सारयां नूं साड़ना चाहुंदा हां, खत्म करना चाहुंदा। सिख गुरमुख होवत उपकारी, तुव पर सतगुर करुणा तारी। लालू कहिंदा है कि सतगुरां दे जिहड़े सिख ने जिहड़े गुरमुख ने मैं सुनिया है कि उपकारी हुंदे ने, दूजिया ते वड्डा उपकार करदे ने, इस करके मेरे ते भी तुसी उपकार करो कि मैनू अपने नाल सतगुरां दे चरणां दे विच लै चलो। तो पर सतगुर करना तारी। लालू जी कहिंदे ने कि तुहाडे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बहुत ही वड्डी मेहर है। बादे ओ प्रेम लालू कह पल मैं, पुल क्यों तन लोचन जल गल मैं। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने इस तरीके दीआं गल्लां करदिआं करदिआं लालू दे मन दे अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम पैदा होया। उस वेले ओहदे मनो के प्रेम दे नाल जिहड़े रोंगटे ने ओह खड़े हो गए ने, पुलकावली आ गई है, अखां दे विच पानी आ गया है, अखां दे विच अथरू डलक पए ने और गला उसदा भारा है। चरण बंदना करे अगारी, पायो या धीर दरस को पारी। लालू ने पारो जी दे चरणा दे उते डिग के वंदना कीती है, बड़ी अधीरगी दे नाल ओ कहिंदा है कि मैनू अपने नाल लै चल। पारो ने लालू संग लीनो, गोय दवाल चलन को कीनो। पारो ने लालू दी बेनती नूं प्रवान कीता और लालू नूं नाल लैके गोइंदवाल पहुंच गए ने भाई पारो जुलका जी। गुर दरबार जाए राज लाई, मस्तक मुख सगरे तन माही। जदों गोइंदवाल दे विच पहुंचे पारो जी और लालू जी, उस वेले कहिंदे ने कि लालू ने गुरु दे दरबार दी जड़ी धूड़ी सी ओ अपने मथे ते लाई है, मुंह दे विच पाई है, इस तों इलावा सारे शरीर दे उत्ते भी मली। पौन लंगर मैं करियो आहारा, पायो पुनीत परम सुख तारा। हुण जड़ी मर्यादा बन्नी हुई सी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने के जेड़ा पहला गुरु दे लंगर दे विचों छकेगा प्रशादा उस नूं दर्शन होवेगा। उसे रीति दे अनुसार लालू जी ने पहला जाके लंगर दे विचों भोजन छकिया है ते फिर तैयारी कीती है गुरु दे दर्शनां दे वास्ते। उस वेले मानो के प्रशाद पानी छकण दे नाल ही उन्हां दा मन पुनीत हो गया है, उन्हां दा मन पवित्र हो गया है और बहुत वड्डे सुख दी प्राप्ति हुई। अंतर जाए गुरु को हेरा, पादे अरबिंद बांध तिस बेरा। इस तों बाद दरबार दे अंदर जाके सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा दर्शन कीता, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां दे उते नमस्कार कीते। पुट लोचन ते अमृत रूप,
पान करत त्रिपत ना अनूप। कवि जी लिखते ने कि अपनी जिहड़ियां अखां ने उन्हां दे डूनियां दे नाल उन्हां दोवां अखां दे कटोरियां दे नाल अमृत रूपी सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा दर्शन है उस नूं मानो के लालू पी रहा है। तृप्त है ना अनूप, पर कहिंदे ने फिर भी वह तृप्त नहीं हो रहा, वह नहीं रज रहा, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा अमृत रूपी दर्शन है ना वह अनूप है, जिदी उपमा कोई हो ही नहीं सकती। बोलो सहज सुभाए कृपालू अत हर रंग चलू लियो लालू। लालू दे प्रेम नु देख के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कृपालू जी ने वचन किया, कहिंदे ने अत हरी रंग चलू लियो लालू, कहिंदे ने के ए जरा लालू है ना मानो के रंगिया गया है प्रेम दे रंग दे विच, प्रभु दे रंग दे विच। सुन कर परम आनंद कहो पायो निस दिन ध्यान गुरु को लायो। सुन के सतगुरां दे बचना नू मानो के लालू जी नू परम आनंद दी प्राप्ति हुई है, इस तो बाद रात दिन गुरु दे चरणा दा जरा ध्यान सी ना वो जुड़ गया लालू जी दे मन अंदर। करना कर लालू के पालू निज कर तरियो निहाल बेसालू। कवि जी लिखते ने कि इस तो बाद मेर कीती सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने ते लालू दे मत्थे दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना पवित्र हस्त कमल धरिया और उस नूं निहाल कीता। ताहे कहा प्रवाह काहू के जाके बसीस धरियो गुर हथ। महावाक है गुरबाणी दा कि उस मनुख नूं फिर किसे भी गल दी कोई परवाह नहीं रह जांदी जिस मनुख दे सिर दे उत्ते सतगुरु मेहरबान जी अपना हथ धर देन। इस तरीके दे नाल लालू दे सिर दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना हथ रखिया। दिन प्रति सत गुर कीन बडेरा ज्यो ज्यो हेरे प्रेम कनेरा। इस तरीके दे नाल दिन प्रतिदिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लालू नू मानो के वड्डा कीता है, ज्यो ज्यो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे ओ दर्शन करदा है त्यों त्यों उसदे मन दे अंदर प्रेम बहुत ज्यादा उमड़दा है। एक दिवस गोर होए कृपालू लालू को बख्शीश बिसालू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज्यादा मेहरबान होए ने लालू दे उते और लालू नू उस दिन बहुत वड्डी बख्शिश सतगुरां ने बख्शी। जे तक गुप्त लोक जग माही दृष्ट ना परें फिरे सब जाही। जेड़े गुप्त लोक ने जिन्ने भी दुनिया दे विच हन जेड़े के नजरी नहीं पैंदे और फिर भी वो हर एक तरीके दे नाल हर एक जगह दे उते फिरदे ने। सारी गल कहण तो पावे है कि भूत प्रेत जेड़े दिसदे नहीं हन और इन्हां नूं गुप्त लिखिया गया क्योंकि दिसदे नहीं आम आदमी नूं। कवि जी कहिंदे ने कि जिन्ने भी ये सारे ने गुप्त लोक जेड़े दिसदे नहीं पर हर एक जगह दे उते ये फिरदे। तिन सब को गुर तिसे बनायो अपन हुकम के ताहे पजायो। इन्हां सारिआं भूतां प्रेतां नूं जिहड़े गुप्त रहिंदे ने उन्हां सारिआं नूं लालू दे अधीन कर दित्ता, सारिआं दा गुरु लालू नूं बना दित्ता अपने हुकम दे नाल, उस नूं लालू नूं मानो के उन्हां सारिआं तों पुजवाया। संगत गुप्तन की होए जेती लालू के पग पूजे तेती। उस दिन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भरे हुए दरबार दे विच ए हुक्म कीता है कि जिन्नी भी गुप्तां दी संगत है वो सारी दी सारी लालू दे चरणां नूं पूजे।
दूर दूर तें आवे से मन हुक्म दरस कर ते। लालू नू सतगुरां ने आख्या के दूर दूर तो ये जिन्ने भी सारे गुप्त वसन वाले ने ये आउणगे तेरे चरणा दे विच तेरा दर्शन करनगे और जिस तरह तू आखेगा ये तेरे हुक्म नू भी मनणगे। खरे अगारी रह हमेश कह सो करें के काज वशेष। गुरु जी ने वचन कीता के सारे हमेशा तेरे अगे हाथ जोड़ के खड़े रहनगे जेड़ा भी तू हुक्म करेगा उस कार्ज नू ए पूरिया करनगे। कोस हजारन को चल आवे तूरन सो लालो दरसावे। इस तरीके दे नाल जदों सतगुरां ने यह घोषणा कीते हजारां कोहां तो चल के वह सारे दे सारे लालू दे कोल पहुंचे ने और सारिया ने लालू का दर्शन किया। जिम आयस दे मन सोई आन उपायन अर्पत जोई। इस तों बाद कवि जी लिखते ने कि जिस तरह भी लालू ने कदे भी कोई आग्ञा की उस उस तरह उन्हां भूतां प्रेतां ने उसकी आग्ञा नूं हुक्म नूं मन्निया और इस तों इलावा अनेक प्रकार दीआं जिहड़ियां भेटां ने उह चरणां दे विच लालू दे रखदे रहे। एक पठान सौदागर पारो पार जहाज बारद मैं डारो। कवि जी लिखते ने कि एक बहुत ही वड्डा पठान सी उह सौदागरी करदा सी कहण तों भाव के वड्डा व्यापारी आदमी सी। एक समय उसने बहुत सारा साजो समान खरीदया और उस समान नूं वेचण दे वास्ते समान दी सौदागरी करन दे वास्ते उसने सारे समान नूं एक बहुत वड्डे समुद्री जहाज दे विच लद्दिया और फिर वो चल पिया जहाज जिहड़ा समुद्र दे विच जाना सी। ताको मेल सो लालू साथ मिलत जवै बंदा जग हाथ। ओ जिहड़ा पठान सौदागर है कवि जी लिखदे ने कि उसका मेल मिलाप सी इस लालू दे नाल। जदों भी कदे लालू उस सौदागर नूं मिलदा सी और वह सौदागर हाथ जोड़ के नमस्कार करया करदा सी लालू जी। सो समुंदर मैं बणज करंता टापू बिखे लाभ लब यंता। हुण ओ पठान सौदागर आदमी सी व्यापारी सी हमेशा वास्ते ओ समुंदर दे विच अपना वणज करन दे वास्ते जांदा हुंदा रहिंदा सी। समुंदरी जहाज दे विच अनेकां टापुआं दे विच जहाज ते चढ़ के ओ जांदा सी और अपने माल नूं वेच के ओहदे विचों लाभ खटदा सी। एक बिर तेह जहाज फट गयो सकल समाज बूढ़ तो पयो। पर परमेश्वर की कुदरत दे नाल कवि जी लिखते ने कि एक वेला ऐसा आया कि समुद्री जहाज दे विच अपने समान दे समेत ओ पठान सौदागर जा रहा सी कि देव नैत दे नाल कुदरत ऐसी वरती कि जहाज दो फाड़ हो गया जहाज टुट गया सारे का सारा समान भी डुब गया और सारे का सारा जहाज भी उस समुद्र की लपेट दे विच आ गया। महायंधेरी ते बड़ फूटा तख्ता एक संग ते टूटा। कवि जी दसदे ने कि बहुत वड्डी हनेरी चली सी बहुत वड्डा तूफान चलिया सी इस करके जहाज टुट गया सी ते जहाज डुब गया सी। हुण कवि जी कहिंदे ने कि एक पासे ते हनेरी ने यह कम कीता कि सारे जहाज नूं डोब दिता पर दूसरे पासे बहुती ज्यादा हनेरी दे वेग दे नाल जहाज दा एक बहुत वड्डा जिहड़ा तख्ता सी लकड़ दा जिहड़ा फट्टा सी ओह टुट गया और ओह टुट के उस जहाज तो अलग हो गया। तिस पर चढ़ियो पठान बचियो तब वायु वेग ते बहियो गयो जब। पर कहिंदे ने कि जहाज ते उस हवा दे नाल डुब गया पर जिहड़ा उस जहाज दे नालों ओ तख्ता टुटिया है लकड़ दा ओ सहारा बनिया उस पठान दी जिंदगी दा। पठान उस तख्ते दे उत्ते लकड़ दे उत्ते बह गया
इस करके वो बच गया। हनेरी बहुत ज्यादा तेज सी, इस करके केंद्र ने के वहिंदा वहिंदा बहुत दूर चला गया वो पठान समेत उस फटे। एक टापू में लगी ओ सो जाए, देखियो ते ठान नगर बसाए। आखिरकार रुड़दा रुड़दा ओ जरा फटा सी किसे एक टापू दे किनारे दे उते जा लगा और उस जगह दे उते एक बहुत वड़ा नगर वसदा सी। तखते पारते उत्तर सो गयो, केह को मेल तह तह बूझत पयो। तख्ते तो उतरिया है, टापू दे उते जाके बहुत सारे लोग उसने देखे और एक नू खिलार के उस सुदागर पठान ने पूछया, कहिंदा है कौन देश को पुर को नाम, बसै कौन एह थल कर ताम। किसे आदमी नू खिलार के ओ पठान सुदागर पूछदा है, कहिंदा इस देश दा की नां है, ये केड़ा देश है और इस नगर दा की नां है जिथे तुसी रहिंदे हो, और कहिंदा है कि तुसी कौन कौन इथे रहिंदे हो, किसदा इथे राज चलदा है। गोपत सकल टापू तिस बसै, देख मनुख को सो तब हसै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, दरअसल उस सारे टापू दे उते गुप्त रहिंदे सन, कहन तो भाव कि वह सारे भूत प्रेत उथे रहिंदे सन जेड़े आम आदमी नू नहीं दिसदे, पर इस सौदागर नू वह सारे दे सारे दिसे। उन्हां दे विचों एक नू उसने यह सवाल किया कि तुसी कौन हो, ये की देश दा नां है और ये नगर दा की नां है, इत्थे कौन राज करदा है। ते जदों इसने उन्हां नू पुछया उस वेले कहिंदे ने कि वह ते गुप्त सारे सन, और उन्होंने कहिंदे ने कि मनुख नू देख के इहदा मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा जोर दे नाल हसे जदों इन्हें सवाल किया। कहे ओ तेनो गुपतन को थायो, तू मानुख कहो केत ते आयो। बड़ा हैरान होया कि मैं इन्होंने देश दा नाम पूछ रहा और मेरे ते हस रहे ने। थोड़ी देर चुप रहा ते उन्होंने फिर कहना शुरू किया, केंदे ने एह गुप्तन को थायो, केंदे ने तू मनुख इत्थे किथे आ गया है, इत्थे ते सारे दे सारे गुप्त रहिंदे ने, भाव के इत्थे ते भूत प्रेत वसदे ने जेड़े नजरी नहीं आउंदे, तू मनुख जिउंदे जी इत्थे किवें पहुंच गया। त्रासत पठान बखानत अह, देश पंजाब दूर तह रह। जदों उन्होंने इस तरह की गल कीती ते पठान बहुत ही ज्यादा डरिया, डरदिया डरदिया उसने आख्या कि मैं ते पंजाब देश दा पंजाब इलाके दा रहण वाला है, मैं ते बड़ी दूरों किस्मत दे नाल इत्थे पहुंच गया। फूट गयो जहाज जब मेरा, देव जोग कर एह थल हेरा। सौदागर पठान कहिंदा मेरा इत्थे आउण दा कोई इरादा नहीं सी, मैं जान बुझ के तुहाडे कोल नहीं आया। कहिंदा कि मेरा ते जहाज टुट गया सी, सारे दा सारा मेरा जहाज डुब गया, पर दैव जोग कर एह थल हेरा। कहण तो पावे है कि ईश्वर दी नेर दे नाल मैं इत्थे पहुंचया हां जिउंदा, जे ना ईश्वर दी कृपा हुंदी ते मैं जिउंदा ना रहिंदा, मैं भी समुंदर दे विच डुब जांदा। तब गोपतन पूछो ते सपाही, लालू को तू लख के नाही। इस तो बाद उन्हां गुप्ता ने पठान नू पुछया, केंदे ने के तू पंजाब दा रहण वाला दसदा है, केंदे ने लालू को तू लख के नाही, केंदे ने लालू नू जानदा है के नहीं जानदा। सुन पठान हरख्यो बच कह, हम लालू के टिग ही रह। जदों लालू दा नां उन्हां ने लिया उस वेले कहिंदे ने कि पठान बहुत ज्यादा खुश होया कि कम से कम मेरी वाकफियत निकली है, मैनू भूत प्रेत कुछ नहीं कहणगे, इन्हां ने लालू दा नां लिया है। और उस वेले पठान कहिंदा है कि हम तो लालू के टिग ही रहे। कहिंदा है कि मैं ते लालू जी नू बड़ा चंगे तरीके दे नाल जानदा हां, बल्कि जानदा ही नहीं हां, मैं तां उन्हां दे लागे ही रहिंदा। मिलत सदीव बंद ना करो,
बड़ो संत पाओ सोयोर तरो। कहिंदा है पठान कि मैं हमेशा उन्हां नूं मिलदा रहना हां, जदों भी मिलदा हां उदों ही मैं उन्हां दे चरणां दे उत्ते नमस्कार करदा हां। बड़ो संत पाओ सो और तरो, वो बहुत वड्डे संत ने, मैं उन्हां दे नाल बहुत ज्यादा प्रेम करदा। सादर ते बिठाए हित कीनो, पता देश नगरी को लीनो। जदों इस तरह पठान ने दसिया, उस वेले कहिंदे ने कवि जी के सारिया ने बड़े सत्कार दे नाल उस नूं उच्ची जगह दे उत्ते बिठा लिया, उहदा बहुत ज्यादा सन्मान कीता। पता देश नगरी को लीनो, इस तों इलावा लालू जी दी खबर सुरत और उस देश दी सारी जिहड़ी सुख सांत सी वो पठान तों पुछी। जब पठान सिमरियो तह लालू, दृग जल लीन यो सास बिसालू। जदों पठान ने उस वेले लालू नूं सिमरिया, भाव के लालू जी नूं याद कीता, उस वेले दृग जल लीन उसास बिसालू बहुत लम्मा साह लिया और कहिंदे ने कि अखां दे विच पानी आ गया उस पठान सौदागर दे। इस को भिख गुपतन कर दया, क्यों रोवत पूछन को किया। अखां दे विच पानी आया सौदागर दे और उस वेले ओ जिहड़े सारे ही गुप्त सन उन्हां ने दया करके पुछया, कहिंदे ने क्यों रोवत, कहिंदे ने कि असीं तैनूं जे पुछया है ते तू हुण क्यों दुखी हो रहा है, तू क्यों रो रहा है। हम लालू के सिख सावे हैं, तिम कर देह जथा चित चहें। पठान नूं कहिंदे ने कि तू क्यों रोना है, कहिंदे ने कि असीं सारे दे सारे सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार लालू दे अधीन हां, असीं सारे लालू दी आग्या नूं मनदे हां। तिम कर देह जथा चित चहें, तू क्यों डरदा है साडे तों, कहिंदे ने जिवें तू आखे गाना असीं उवें ही कर देंगे। कह पठान दिखावो लालू, करे जे मुझ पर मेहर बेसालू। जदों उन्होंने इस तरह आख्या कि जो आखेगा उवें ही कर देंगे, उस वेले पठान कहन लगा फिर मेरे ते करो कृपा, दिखावो लालू, मैनू लालू दिखा दियो। कहन तो पावे के लालू दे कोल ही भेज दियो। करो जे मुझ पर मेहर बिसालू, जे मेरे ते मेहर करनी चाहुंदे हो, मेरा भला लोड़दे हो ते मैनू लालू दे कोल पहुंचा दियो। सब किछ खोए दूर मैं आयो, देश पंजाब चाहो अब जायो। सौदागर पठान कहिंदा है कि सारा कुछ मेरा गवाच गया है और मैं हुण अपने देश पंजाब दे विच जाना चाहुंना। गुप्तन दोए लाल ते दीने, एह लालू की भेट सो कीने। उस वेले वो जिहड़े भूत प्रेत गुप्त सन उन्होंने ने दो कीमती लाल दिते लालू नूं और कहिंदे ने कि दोवे दे दोवे लाल तू साडे वल्लों ए लालू दी भेटा रखणे ने। अपर जवाहर अपने हित लिहो, एह दोए लालो हम दिश देहो। कहिंदे ने कि जिहड़े दो लाल दिते ने ए तू साडे गुरु लालू दी भेटा रखणे ने और इस तों इलावा होर जिहड़े कीमती जवाहरात ने, हीरे मोती ने, ओ तू जिन्ने चाहना है इथों ले जा सकदा है, पर ये जिहड़े दो लाल ने ये तू साडे गुरु दे चरणा दे विच भेटा करने। तब पठान लीने हर खाए, कहते न पौने इस दृग मुंद वाए। उस वेले पठान ने ओ जिहड़े दो कीमती लाल सन खुशी दे नाल उन्हां तों लै ले। जदों लाल हाथ दे विच फड़े ते इस तों बाद उन्हां ने आख्या इस पठान सौदागर नूं कि तू हुण अपनी अखां नूं बंद कर ला। गुप्तन सो तत्काल पुचायो, खोले दृग गृह में पिख आयो। कहन लगे तेनू हुणे तेरे देश घर पहुंचा दिने, तू बस अखां बंद कर। पठान सौदागर ने अखां बंद कीतियां
ते जदों ही अखां खोलियां की देखदा है कि मैं अपने घर दे विच बैठा होया। इस तरीके दे नाल तत्काल ही वो अपने घर दे विच पहुंच गया। जाए लाल लालू को दए, कहत सो जस बहु बंधन किए। बड़ी काली दे नाल घरों उठ्या है, लालू जी दे कोल पहुंचया है। दोवे जिहड़े लाल उन्होंने भेटा रखण दे वास्ते आखे सी, वो लालू दे चरणा दे विच भेटा रखे ने, ते बहुत प्रकार दा उसने फिर जस कीता। अपन बिरतांत कहियो पुर माही, कृपा संत आयो तुम पाही। अपना बिरतांत सारियां नूं दस्या। ये जिहड़ी तुक है दे दो अर्थ लग सकदे ने। पहला अर्थ इस तरह लगदा है कि हे संत, तेरी कृपा दे नाल इस शहर दे विच तेरे पास आया हां, इस तरह उन्हें आख्या पठान ने। या फिर ये भी आख्या जा सकता है कि उस शहर दे विच दा सारा हाल दस्या ते आख्या कि हे संत, तेरी कृपा दे नाल मैं तेरे कोल इस वेले पहुंच गया हां। इस तरीके दे नाल वो लालू दे कोल पठान सौदागर वापस पहुंचा। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल ये सगली कथा नूं बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता के सदा संग ने धाराया धार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय। याही कुल ते होए ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है प्रणाम।